अभी अभी प्रोग्राम दो मिनट हो जाने दो, एक बार दो मिनट भाई। सबसे पहले सर जयंती सुसोलिया के बारे में सवाल है, सुसोलिया है क्या प्रोग्राम है? आज 6 अक्टूबर है, सभी पता है क्या कार्यक्रम होगा, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी की जयंती है, शुभ अवसर है और ये ऐसी तारीख है जो किसान के दिल में दर्ज है। बहुत लोग लगाव रखते हैं इस परिवार से और जो लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने, किसानों के लिए लड़ी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी ने, आज भी वही लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसलिए संदेश देने को किसान अपने इतिहास को समझें, अपनी ताकत पहचानें और किसान ही बढ़ें, आपस में ना बटें। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पे सड़क का भी नाम लिया गया था, लेकिन बीजेपी का कोई नेता कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा पुलिस में। अब जो लोग बाबा टिकैत का साथ देते थे उनको मानते थे, जो लोग चौधरी चरण सिंह जी को मानते हैं उन्हीं पर आप वार कर रहे हो और फिर उद्घाटन करने आओगे, आप सोचोगे मंच पर जगह मिलेगी, कहीं ना कहीं चलो कुछ शर्म लिहाज तो है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस पार्टी में वो हैं उन्हें वो पार्टी छोड़ देनी चाहिए, ऐसी पार्टी में रह के क्या कर लेंगे वो समाज के लिए। पहली बार ऐसा आपने दृश्य देखा जो लखीमपुर के जो चित्र सामने आए, आंदोलन होता है कभी कभी उग्र हो जाता है, कभी कभी आप ऐसी चीज़ बाहर हो जाती है, कभी कभी सरकार और आंदोलनकारियों में टकराव हो जाते हैं, हो जाता है, कई आंदोलन में हुआ, लेकिन यहाँ तो लड़ाई सरकार से है, मांग आपकी सरकार से है और सरकारी गुंडे आप किसान पे वार कर रहे हैं, पीछे से गाड़ी चलाई जा रही है, रोंदा जा रहा है किसानों को, बहुत बड़ा पाप है। लखीमपुर का आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं हुए, बुलडोजर चलने चाहिए मंत्री के घर पे, अब क्यों ना चल रहे बुलडोजर? योगी जी बुलडोजर चलाएं, अपने लिए नियम कुछ और हैं, औरों के लिए नियम कुछ और हैं। अच्छा, पहले गंगाधर की गिरफ्तारी करी है प्रदेश के मुख्यमंत्री जानी है पंजाब के छत्तीसगढ़ के, तो क्या कहना चाहेंगे? गलत है, गलत है, किसी नेता के वहाँ पहुँचने से हालात ख़राब नहीं होंगे, सुधरेंगे, लोगों को विश्वास बनेगा कि हमारे साथ खड़े हैं लोग और ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है। विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा, आम जनता के लिए जो उनके मुद्दे हैं कौन सवाल पूछेगा सरकार से? मीडिया, हमारी जो संस्थाएं हैं, जो कोर्ट न्यायालय सब खत्म हो जाएंगे जिस दिन विपक्ष की आवाज़ दबाई जाएगी। बहुत गलत हो रहा है और 24 घंटे तो आप रख सकते हो, उससे भी ज़्यादा जो है लखनऊ में भी बंद है, नज़रबंद है, लोग रोका जा रहा है, बहुत गलत। मैं तो वहाँ होके आया, इंटरनेट बंद, फ़ोन बंद, कई कई जिलों में वहाँ प्रभावित है जीवन, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ कश्मीर या किसी नक्सल क्षेत्र में आ रहे हो। किसान को तो आतंकवादी बना दिया उन्होंने, इनकी नज़र में किसान आतंकवादी मवाली है, भेड़िया है। जो अपराधी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और नेताओं को जो है बंधक बना के कर्ज गिरफ्तार करने का काम किया जा रहा, उल्टी गंगा बह रही है। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये कल लखनऊ गए प्रधानमंत्री, आप देखिए एक शब्द नहीं बोला गया, ऐसे मंत्रियों को तो मंत्रिपरिषद में नहीं रहना चाहिए, कोई अधिकार नहीं। अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होती लोकदल का क्या स्टैंड रहेगा? वहाँ के लोग तय करेंगे, वहाँ के परिवार से मैंने मुलाकात की है, बेहद गरीब परिवार है और उन्होंने फिर भी ये बात कही कि हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हमें तो न्याय चाहिए, तो न्याय मिलना चाहिए, हम सबकी नज़र वहाँ, सबकी निगाह है, फैसला लें। पहले लोग मांगते थे सीबीआई जांच हो, अब तो सीबीआई पे भरोसा नहीं है लोगों का। तो साहब एक पत्रकार की भी मौत हुई है, उस पर जो वीडियो आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि ये बोलो कि, हाँ मैंने देखा वो उनका साक्षात्कार आया है और उन्होंने एक चैनल का भी नाम दिया है, कहा कि आज तक के कुछ आए थे और ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए उस परिवार के साथ। वे पत्रकार थे और उस पत्रकार को एक पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में भी पेश किया जा रहा है, जो कि वो पत्रकार थे, वो तो किसी के होते नहीं दल के, गलत हुआ। छियासीवा जन्मदिन है, किस तरह से मना रहे हैं? तो हर साल मने पर इनका कुछ और अच्छी तरह से मना रहे, चौसाब आ रहे, जयंती जी आ रहे, तो और अच्छा इसमें चार चांद लग गए और एक या कबड्डी प्रतियोगिता हो रही, जो कबड्डी की प्रतियोगिता हो रही, तो सब कुछ अच्छा चल रहा ठीक है। अच्छा, सत्ता पक्ष के लोग महेंद्र सिंह टिकैत का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, सड़कें भी बनाने की घोषणा की गई है, लेकिन नज़र नहीं आ रही कहीं? नहीं, वे तो जब उनके खिलाफ एक आंदोलन चल रहा, सारी सब विपक्ष भाजपा के खिलाफ हो रहा, तो मैं नज़र कहाँ होंगे,
एक मानव से तो परे की बात, यहाँ से लखीमपुर जो कांड हुआ है इतने शर्मनाक घटना है। मतलब एक गाड़ी चढ़ा दी गुस्से में कि भाई इतना गुस्सा है, इतना वो है जो मतलब नहीं बर्दाश्त होती। तो ये सरकार में ना रहे भाई, याद में को मारेंगे ये, इस तरह की बात नहीं चाहते करनी। एक क्रूर चेहरा सामना, हमने अपने जीवन में इस तरह की नहीं हुआ देखी। अंग्रेजी राज देखा तो हमने यहीं पर सुना, इस तरह की क्रूर हरकत नहीं देखी। बिल्कुल सारी सीमा लांग दी, आंदोलन हो, नारेबाजी भी हो, काले झंडे भी दिखाए जा। जो सत्ता पक्ष है उनके तो तरह तरह के विरोध करा जा, पर ऐसा हिंसक तो इन्होंने सारी सीमा लांग दी। खालिस्तानी बताया जा रहा नहीं, ये तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी, परजीवी, मोवाली, और एक तो बाद से मैं ये एक जो सांसद है उनकी पुत्री है, उन्होंने तो भेड़िया तक कह दिया। तो ये अपनी कम से कम अपनी जुबान तो लगाम लगा, और तो जैसी कुछ बात होगी होगी। कितना खर्चा किसानों का और सरकार का कितना खर्चा हो लिया है, जनता पे लोड पड़ेगा इस बात का। एक छोटी सी मांग, कुछ भी तो मांग नहीं है, जो सरकार का कुछ भी खर्च नहीं होता। किसान 10.5 महीने तक वहाँ से बैठे और 700 के करीब किसान हमारे शहीद हो लिए, तो कितना जिद्दी रवैया है सरकार का।